दोस्तों जो कार है टोयोटा इनोवा है, जैसे देख सकते हैं इसकी जो प्रॉब्लम है टाइमिंग बेल्ट चेंज करने के बाद भी जो टी बेल्ट की लाइट आती है उसको हमें रिसेट कैसे करना है वो हम बात करेंगे। जैसे देख सकते हैं हमें ऑडियो पे ले लेना है और प्रेस करके रखना है बटन को, कम से कम 30 सेकेंड तक प्रेस करके रखना है इसको, कंटिन्यू कंटिन्यू प्रेस करके रखना है कम से कम 30 सेकेंड। देख सकते जैसे कि हो गया, अभी देख सकते अभी 30 सेकेंड पूरा नहीं हुआ, जैसे कि 30 सेकेंड पूरा होने वाला है, समझो हो गया 30 सेकेंड। अभी हमें चाबी ऑफ कर लेना है और दबा के रखना है कंटिन्यू, फिर वापस हमें चाबी ऑफ में कम से कम 20 सेकेंड तक प्रेस करके रखना है। तो देख सकते ये रहा 20 सेकेंड हमें पूरा होने वाला है, जैसे कि देख सकते। फिर हमें चाबी ऑफ ऑन करना है, फिर ऑन करने के बाद भी 20 सेकंड में प्रेस करके रखना है। तो देख सकते हैं इस तरह से प्रेस है कंटिन्यू बटन ऑडियो पे, तो देख सकते हैं प्रेस हमें वापस प्रेस करना है तो 15 लिख के आता है, तो हमें 1 2 3 4 5 ऐसे करके 15 पे प्रेस करके रखना, प्रेस कर देना है। 15 आने के बाद प्रेस करके रखना है तो हमारा रिसीट हो जाता है टाइमिंग बेल्ट, जैसे देख सकते हैं डिस्प्ले में थोड़ा दिख नहीं रहा, देख सकते 15 हो गया, अभी प्रेस करके रखा तो अभी देख लिया लाइट गया टी बेल्ट का। तो इस तरह से हम रिसीट कर सकते हैं, तो देख सकते हमारा टी बेल्ट लाइट रिसीट हो गया, जैसे देख सकते स्टार्ट किए लाइट भी गया सब। तो इस तरह से हम रिसीट कर सकते हैं।